नोएडा जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्यों भाई, कोटा बूंदी वालों की आवाज को क्या हो गया है? देखो 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? बिरला साहब को फिर से एमपी बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाओ दोनों हाथ, तीनों पेंडाल में हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे भारत की महान संसद के स्पीकर और आपके सांसद श्रीमान ओम बिरला जी, जोर से बिरला जी के लिए ताली बजाइए भाई। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बेरवा जी, शिक्षा मंत्री राजस्थान श्री मदन दिलावर जी, श्री हीरालाल नागर जी, राज्य मंत्री ऊर्जा विभाग श्री संदीप शर्मा जी, विधायक कोटा दक्षिण कल्पना बेन, विधायक लाड़पुरा इजरियाज सिंह जी, सांसद पूर्व सांसद कोटा बूंदी श्री मुकेश दाधीच जी, प्रभारी कोटा संभाग सुनीता बेन व्यास, भवानी सिंह राजावत, बाबूलाल वर्मा और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले पपलाज माता, फालूदी मां, गोपरनाथ महादेव, गराड़िया महादेव और भगवान परशुराम को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं आज उस नगरी में आया हूं जिस नगरी का गौरव पूरे देश के अंदर शिक्षा की नगरी के रूप में जाना जाता है। ढेर सारे विद्यार्थी अपने जीवन की कैरियर बनाने के लिए कोटा के अंदर आते हैं। मुझे बरोबर याद है जब कोरोना काल था, सभी देश के माता पिता का बड़ी चिंता थी कि हमारे बच्चों को क्या होगा, लॉकडाउन हो गया था। मगर कोटा वालों, आपने सांसद ऐसा चुना था, लॉकडाउन होने के बावजूद स्पेशल ट्रेनें लगाकर बच्चों को अपने अपने घर पे ले जाने का काम हमारे ओम बिरला ने किया। भाई और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर दयाल सक्सेना जी और पुलवामा हमले में शहीद हुए भाई हेमराज मीणा को भी सम्मान के साथ आज याद करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है, 26 तारीख को कोटा वालों ने भी वोट डालना है। पूरे देश के सामने दो विकल्प है, एक नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर राहुल बाबा है। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर 23-23 साल से
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, इनका तजुर्बा है। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो 20-20 बार लॉन्च किए मगर रॉकेट यान फेल ही कर जाता है। भाई और बहनों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, दूसरी ओर 23 साल के करियर में 4 आने का भी जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भाई और बहनों, एक और राहुल बाबा है जो 3 महीने में थाईलैंड दे विदेश में कहीं ना कहीं छुट्टी पर चले जाते हैं। ये भाई बहन दोनों गर्मी नहीं सहन कर सकते। बोलिए अभी चुनाव है, प्रियंका गांधी जी अभी अभी छुट्टी पर थाईलैंड चली गई थी। एक और ये थाईलैंड जाने वाले छुट्टी लेने वाले नेतृत्व है और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नाते दीपावली के दिन भी देश की सरहदों पर जवानों के साथ रहने वाला नरेंद्र मोदी। एक और अपने कौवत राष्ट्रभक्ति परिश्रम और कुशलता के कारण दुनिया का सर्वोच्च नेतृत्व बनने वाला नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर परिवारवाद के कारण आए हुए राहुल बाबा है। ये लोगों के बीच में आपको पसंदगी करनी है। कोटा वालों मुझे बताओ किसको पसंद करोगे भाई? अरे जोर से बोलो किसको करोगे, और जोर से बोलो किसको करोगे? अगर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, तो भाई ओम बिरला के नाम के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाना है। कोटा बूंदी वालों, बिरला जी को दिया हुआ कमल के निशान पर एक एक वोट सीधा मोदी जी के अकाउंट में जमा होने वाला है। समझ में आ रहा है? जरा जोर से बोलो आ रहा है? बटन कहां दबाना है? जोर से बोलो बटन कहां दबाना है? भाई और बहनों, राजस्थान की 25 की 25 सीट पर कमल खिलाना है। अभी अभी पहला चरण हो गया। मैं पहले चरण का परिणाम बता दूं आपको? बताओ, किसी को बताना मत, मगर हां एडवांस में बता देता हूं। बताओ, सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, परंतु यहां से पूरा नहीं होता। 13 सीटें बची है, उसमें भी खाता न खुले 25 सीटों का हैट्रिक लगाने का काम मेरे कोटा बूंदी वालों को करना है। कोटा बूंदी वालों को, भाई और बहनों, मैं बिरला जी को बहुत सालों से जानता हूं। हमने संगठन का भी काम साथ में किया, संसद में हमारे स्पीकर साहब थे। इतने नकारात्मक विपक्ष के रहते हुए भी लोकतांत्रिक तरीके से संसद को चलाने का काम हमारे बिरला जी ने किया। बिरला जी के प्रयासों से कोटा को एयरपोर्ट की सहूलियत मिली है, हिंडोली में मेडिकल कॉलेज बना है, कोटा में अलग से नर्सिंग कॉलेज बना है और अस्पताल को बड़ा बनाकर विश्व कक्षा का 500 बेड का अस्पताल बनाने का काम भी चालू है। कोटा वालों, बूंदी में खेल संकुल बनाया जिसमें सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल और इंडोर गेम के लिए स्टेडियम भी बनाने का काम चालू है। भाई और बहनों, मैं कोटा को कहने आया हूं, अगर आपने
19 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो पीएफआई कोटा का कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता। नरेंद्र मोदी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई को समाप्त कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अब ये लोग कहते हैं हम पीएफआई पर बैन हटा लेंगे। कोटा वालों मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी पार्टी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, 5 साल तक गहलोत की सरकार रही, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया। आपने भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार बनाई, 3 ही महीने में हमने एग्रीमेंट कर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया। भाई और बहनों, ये कहते हैं ईआरसीपी का पानी कोटा बूंदी को नहीं मिलेगा, इनका मत साथ सुना, ये झूठ फैलाने वाले लोग हैं, झूठ फैलाने वाले। मैं आपको कहकर जाता हूं कोटा बूंदी वालों, ये मोदी का गारंटी है, हर गांव, हर दाणी, हर खेत में ईआरसीपी का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी मोदी जी की है, ये मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, लोगों को छोड़िए, हमने तो पशुओं की भी चिंता की, सारे पशुओं को राजस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट करोड़ों रुपया लगाकर टीका लगाने का काम किया और देश में नई 2 लाख डेयरी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कोटा के विकास को गति देने वाला है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा का रेलवे स्टेशन नया बनने वाला है, भव्य रेलवे स्टेशन बनने वाला है और रामगंज मंडी स्टेशन को भी फिर से नया बनाने का काम हमारे बिल्ला साहब कर रहे हैं। परवन बृहद सिंचाई योजना, झालावाड़ 12 और कोटा के 600 गांव में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रामगढ़ में टाइगर रिजर्व बनाया गया है, नक्श सागर झील और जेद सागर झील के काम को स्वीकृति दे दी गई है। बूंदी दलेलपुर सड़क परियोजना से को भी वन विभाग से मंजूर किया गया है और कोटा की साड़ी और कोटा स्टोन दोनों को दुनिया भर में जियो टैग दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। भाई और बहनों, मैं आज बताने आया हूं, इतना सारा काम हुआ है ना, मगर इसके लिए मोदी जी को, हमारे नेता बिरला जी को वोट मत देना, ये कोटा के विकास के लिए मत देना, उनका काम ही विकास करना है, इसमें क्या नई बात है? आपने 2-2 बार चुना तो विकास करना इनका फर्ज बनता है, मगर वोट क्यों देना मैं आज बताने आया हूं। बताऊं क्या कोटा वालों, मन से बड़े आवाज से हाथ उठाकर बताना, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? सभी लोग बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे महाराज, आपको भान नहीं है, कश्मीर पर जब जब संकट आया, मेरे राजस्थान की वीरांगनाओं के लाल ने अपना खून बहाया है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, खड़गे तक आवाज जाए, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए?
ये 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह लेकर बैठी थी। वोट बैंक से डर रहे थे, वोट बैंक से डरे। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को, हमारे बिल्डा जी ही बैठे थे अध्यक्ष के स्थान पर, धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ। ये राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार है, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर देश को सुरक्षित किया है, नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, इसलिए मोदी जी को वोट देना है। वोट क्यों देना है भाई, जरा बोलो। धारा 370 हटाई इसलिए वोट देना है। मुझे बताओ भाई और बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अभी अभी रामनवमी गई, 500 साल के बाद रामलल्ला ने अपना बर्थडे टेंट में नहीं राम मंदिर में बनाने का। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और एक कांग्रेस वाली टोली, इनको निमंत्रण दिया गया कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, परंतु एक कांग्रेस वाली टोली गई नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है उनकी वोट बैंक समाप्त हो जाएगी। भाई और बहनों, सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जो औरंगजेब ने तोड़ा था, इसका पुनर्निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, महाकाल कॉरिडोर बनाया, बद्रीधाम केदारधाम का पुनरोद्धार किया और भगवान सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे सारे श्रद्धा केंद्र मोदी जी ने पुनः जागरूक किया है। मैं आज अशोक